डियर लर्नर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत शर्मा, MBBS MD, मैं इंदौर अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर पर जूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है माइटोसिस वर्सेस क्लीवेज। क्लीवेज एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न है और ये मिलता है आपको जायगोट के शुरुआती सेल डिवीजन्स में। कब तक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसका जवाब है ब्लास्टुला स्टेज के एंड तक। तो जब तक जायगोट से डिवाइड होकर के ब्लास्टुला स्टेज चलेगी, एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन चलता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लीवेज। तो आइए देखते हैं माइटोसिस के कंपैरिजन में क्लीवेज में और माइटोसिस में क्या स्पेशल होता है, क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं इधर लिख रहा हूं माइटोसिस, जो कि आप जानते हैं, और इधर लिख रहा हूं एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। आइए समझते हैं। जैसे कि माइटोसिस में हम सब जानते हैं, देखो एक सेल है, ये सेल ने डिवाइड किया माइटोटिकली, तो दो डॉटर सेल बने, फिर उनमें ग्रोथ हुई, फिर से माइटोसिस हुआ और उसके बाद फिर से ग्रोथ हुई, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी माइटोसिस में। Is that clear? लेकिन क्लीवेज थोड़ा अलग टाइप का सेल डिवीजन है। देखिए क्या होता है क्लीवेज में। ये एक सेल है जिसमें क्लीवेज हो रहा है, ये ब्लास्टोमियर कहलाता है, और इसके बाद दो सेल बने, रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर्स। जब इनमें भी दोबारा सेल डिवीजन होगा तो दो और छोटे सेल्स बनेंगे। अब जरा हम कंपेयर करें इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहां पे हर बार सेल का साइज तो हाफ होता है, पर ग्रोथ लेकर के वापस नॉर्मल पेरेंटल साइज गेन करता है, फिर साइज हाफ होता है, फिर से ग्रोथ होती है। यानी हर बार सेल डिवीजन इज फॉलोड बाय द फेज ऑफ ग्रोथ। यहां पर सेल डिवीजन हो रहा है पर फेज ऑफ ग्रोथ नहीं है, हर बार हाफ 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 हाफ, यानी सेल का साइज लगातार कम हो रहा है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, फेज ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट, मतलब डिवीजन ऑफ सेल इज फॉलोड बाय द फेज ऑफ ग्रोथ, जबकि यहां पर फेज ऑफ ग्रोथ इज एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जब मैं इधर एक टर्म लिख रहा हूं दैट इज एन बाय सी। अब ये एन बाय सी क्या है, इसको समझना। ये तो एक डिफरेंस हो गया यहां पर भाई, एन बाय सी, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। किसकी बात चल रही है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, या इसी के लिए एक और टर्म है करियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो या करियोप्लाज्मिक इंडेक्स कितना होगा, एन बाय सी लिख रहा हूं। तो जरा देखो, इधर एन जो था दैट इज न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, इधर ग्रोथ लेने के बाद वो भी डिप्लॉइड है, माइटोसिस तो है, डिप्लॉइड रहेगा। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम देखो, जितना साइटोप्लाज्म है उतना इसमें भी आ गया ना, तो ये भी तो एन बाय सी ही होगा। तो डिवीजन के बाद एन बाय सी ही रहता है, लेकिन इधर क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखो। यदि ये एन बाय सी है तो एन तो ये भी है, क्योंकि ये मियोसिस नहीं है, माइटोसिस जैसा ही डिवीजन है न्यूक्लियस का, पर साइटोप्लाज्म कितना हो गया, सी बाय टू। इसका मतलब ये क्या हो गया, टू एन बाय सी, इज दैट क्लियर। यानी न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो यदि पेरेंटल सेल का एन बाय सी है तो रिजल्टिंग ब्लास्टोमियर का क्या हो जाएगा, 2n by c, डबल, क्योंकि साइटोप्लाज्म हाफ हो रहा है और साइटोप्लाज्म डिनोमिनेटर में है, तो वो 2 ऊपर जाकर के उसे डबल कर देगा। क्या बात क्लियर है? सो व्हाट वी कैन से, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डबल्स विद एवरी क्लीवेज। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक, इसके अलावा और भी डिफरेंस देखिए। माइटोसिस में फेज ऑफ ग्रोथ भी है। यदि आप सेल साइकिल की बात करें, सेल साइकिल समझते ना, G1S, G2M, ये सेल साइकिल है। अब जिसके अंदर सेल को ग्रोथ भी लेना है तो उसमें ड्यूरेशन ज्यादा होगा। तो सेल साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल,
ये longer होगा, जबकि यहीं पर ये चीज क्या होगी, shorter. अब सेल डिवीजन या सेल साइकिल का ड्यूरेशन यदि शॉर्ट है तो पर यूनिट टाइम ज्यादा बार डिवाइड कर सकता है ना, तो इसका मतलब फास्टर रेट ऑफ सेल डिवीजन किसमें होगा, इसमें, क्योंकि इसमें छोटी छोटी साइकिल है सेल डिवीजन की, क्योंकि फेज ऑफ ग्रोथ एब्सेंट है. तो मैं यहां पर चौथा पॉइंट क्या लिखूंगा, स्लोअर रेट ऑफ सेल डिवीजन. और यहां पे क्या होगा, फास्टर रेट ऑफ सेल डिवीजन. क्या मेरी बातें क्लियर है आपको? ठीक है. अब ये मिलता कहां पर है, माइटोसिस, उसको समझो. माइटोसिस आपको सोमेटिक सेल्स में भी मिलेगा, जर्मिनल सेल्स में भी मिलेगा. जर्मिनल सेल में सबसे पहली जो स्टेज होती है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसमें माइटोसिस ही होता है, भले चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या ओजेनेसिस. क्लीवेज कहां मिलेगा, इनिशियल डिविजन्स ऑफ जायगॉट. कहां से कहां, जायगॉट से अप टू एंड ऑफ ब्लास्टुला, या इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हो. तो क्या ये बातें समझ में आ रही है? सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सेल डिवीजन, जो कि टिपिकल है, दैट इज माइटोसिस एंड द क्लीवेज. तो याद रखिएगा, जैसे जायगॉट बना, जायगॉट बनने के बाद उसमें क्लीवेज चलता रहेगा, साइज छोटा होता रहेगा, होता रहेगा, और होने के बाद फाइनली जब बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट से अगली स्टेज जो आती है ब्लास्टुला से, दैट इज गैस्टुला. तो ब्लास्टोसिस्ट के एंड होते से ही क्लीवेज भी एंड हो जाएगा, एंड इट विल बी रिप्लेस बाय माइटोसिस देयर आफ्टर. तो बस ये कुछ डिफरेंसेस थे इनके बीच में, जो कि आपको बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे. एक बार इसको देखिएगा वीडियो को फिर से, और इन चीज़ों को नोट कीजिएगा. Thanks for watching this video.